अगर आपको इस तरह से लिखा आता है, स्विचिंग टू व्हाट्सएप मैसेंजर विल डिलीट ऑल योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करता है, वही डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को आप बस पूरा ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे देखिए, स्विचिंग टू व्हाट्सएप मैसेंजर, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए ये नंबर है मेरा, तो ये पहले व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर रजिस्टर था, अब मैंने यहाँ पे इसे जो है व्हाट्सएप मैसेंजर के ऊपर रजिस्टर कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहले व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर इसका ऑलरेडी अकाउंट है और ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्टर है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप एक टाइम पर एक नंबर से व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप मैसेंजर दोनों को ही खोलने की कोशिश करोगे, तो इस केस में आपका मैसेंजर अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो बिजनेस अकाउंट का जो भी डेटा है वो डिलीट होगा। अब चीज़ें डिलीट क्या होगी वो सब यहाँ पे समझने वाली बात है। जैसे आपके चैट से यहाँ पे डिलीट नहीं होंगे, इमेजेस फोटोज़ वीडियो जो आए वो डिलीट नहीं होंगे। डिलीट क्या होगा, सिर्फ आपके लेबल्स डिलीट होंगे, कैटलॉग्स एंड आइटम्स डिलीट होंगे और ग्रीनिंग एंड अवे मैसेज जो आपने सेट कर रखे थे, अवे मैसेज या फिर कैटलॉग्स आपने जो सेट कर रखा था, लेबल्स जो आपने सेट कर रखे थे, बस वही डिलीट होगा। आपका मैसेज डेटा, जो भी मैसेज का डेटा है या फिर जो आपने मैसेज भेजे आपको आए हैं, फोटोज़ वीडियोज़ डॉक्यूमेंट्स, वो कोई भी चीज़ यहाँ पे डिलीट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्विच बटन पर जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आप स्विच पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए ये टू ऑटोमेटिकली वेरीफाई मिसेड कॉल ये लिखा आ जाएगा और आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस कर देना है। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो यहाँ पे अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को आप ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।